कैन में बबुलगम आ गया। ऐसे पानी गुलबर्गा लोगों को, कलबुर्गी लोगों को क्या पिला रहे? ये बहुत गलीज का पानी पिला रहे। परमिशन लेके क्या चालू कर रहे? उन लोगों 30-40 रुपए कैन बेच रहे। वो ऑलरेडी हर दिन टेस्टिंग होता है, हर दिन वो टेस्ट होने के बाद ही ये अच्छा है लोगों के सेहत के लिए अच्छा है बोले तो वो पानी पी सकते हैं। वैसे प्लांट्स रहने के बाद ये घर तक जाके 5 रुपए में कैन दे रहे, गलीज पानी दे रहे। कॉर्पोरेशन कमिश्नर, इसके बारे में कौन से प्लांट्स है और फूड वाले, वो प्लांट्स को बंद करना चाहिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अलशरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अलशरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवर्गी रोड। आज हम कर्नाटक रक्षण वेद के कावलपडे के संगठन के तौर से आज हम प्रेस मीट किए। वजह क्या है? कलबुर्गी महानगर पालिके कमिश्नर तमाम कलबुर्गी की आवाम के लिए पानी अच्छा पानी लोगों को देना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है। मगर ये फूड एंड फूड ऑफिसर हो और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हो, ऑफिसर्स हो, तमाम लोगों का क्या नेग्लिजेंसी है। इससे प्लांट्स क्या स्टार्ट हो गई कि अभी धूप के महीने में प्लांट्स ओपन होते हैं, कैसा है सेटर में एक बोरल मार के वो पानी क्या सप्लाई कर रहे हैं, वो पानी अच्छा नहीं, उसमें बबुलगम, एक कैन में बबुलगम आ गया। ऐसे पानी गुलबर्गा लोगों को, कलबुर्गी लोगों को क्या पिला रहे? ये बहुत गलीज का पानी पिला रहे, ऐसे गलत है। और सर गवर्नमेंट से क्या परमिशन लेके क्या चालू कर रहे? उन लोगों 30-40 रुपए कैन बेच रहे। वो ऑलरेडी हर दिन टेस्टिंग होता है, हर दिन वो टेस्ट होने के बाद ही ये अच्छा है लोगों के सेहत के लिए अच्छा है बोले तो वो पानी पी सकते हैं। वैसे प्लांट्स रहने के बाद ये घर तक जाके 5 रुपए में कैन दे रहे, गलीज पानी दे रहे, उसके लिए लोग पूरे 5 रुपए में कैन मिलता है बोल के वही पानी पी रहे, ये बहुत गलत है। इसके लिए कॉर्पोरेशन कमिश्नर, इसके बारे में कौन से प्लांट्स है और फूड वाले, वो प्लांट्स को बंद करना चाहिए। गुलबर्गा लोगों के लिए बहुत अच्छा और पीने का सरका और सेहत के लिए अच्छा रेस वाला पानी गुलबर्गा लोगों के लिए उन्हें देना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है। यही 10 तारीख फूड एंड सेफ्टी क्या ऑफिस है उसके सामने हम धरना बैठ रहे हैं। उस दिन कितने प्लांट्स बंद करे थे, वो प्लांट्स फिर चालू करे 4 दिन के बाद, कौन पैसे लिए, क्या हो गया? ऑलरेडी उसके ऑफिसर्स, पुलिस गिलिस सब लोग विजिट करने के बाद, वो बंद करने के बाद फिर चालू होता है, कैसा चालू होता है? इसके लिए ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट से कौन परमिशन लेके चालू करता है? वो बंदा और वो कंपनी वाले कि हर दिन क्या टेस्ट करते पानी, सेहत के लिए अच्छा है बोल के क्या पानी देते, वही पानी गुलबर्गा में सप्लाई होना बोल के मैं हम लोग ये आज प्रेस मीट करें। 10 तारीख अभी ये महीने में क्या होता है, ठंडा पानी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपका कहने का मतलब गवर्नमेंट से नहीं, ये प्राइवेट लोग, प्राइवेट का है, प्राइवेट गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का तो सप्लाई नहीं, कौन से एरिया में, एक एरिया में पानी आता है, एक एरिया में नहीं आता, गवर्नमेंट का नहीं, ये प्राइवेट प्लांट्स क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे दुपकाले में एक शटर लेते हैं, शटर लेके बोरल मराते, वो 10-20 रुपए और 5 रुपए को कैन भर के दे रहे। ओरिजिनल पानी सेहत के लिए अच्छे वाला पानी 40-50 रुपए वो नहीं ले रहे लोग, वहाँ जाके लाना पड़ता, घर तक वो ट्रैली में आपके पास आ रहे, 5 रुपए दिए तो 20 लीटर कैन आ रहा बोले तो वही पानी पी रहे। उससे क्या हो रहा है, बहुत तो डिसीज हो रहे और सेहत के लिए अच्छा नहीं। वैसे पानी पी रहे, वो पानी पूरा बंद होना, वो प्लांट्स बंद होना, अच्छा पानी देने वाला प्लांट्स को चालू करना बोल के हमने माना है। ओके।